हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पाइथन सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, और ये वीडियो है पाइथन की। तो पाइथन में हम बात करने वाले हैं टपल की। टपल, जी हाँ, वही टपल जो कि पाइथन का डेटा टाइप होता है और जिसकी पहचान होती है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो अभी हम टपल बनाने वाले हैं और टपल से डुप्लीकेट को रिमूव कराने वाले हैं। तो यहां पर टपल के लिए मैं लिखता हूं टी। T is equal to, एक टपल बना रहा हूं, T is equal to small bracket, इसकी पहचान है। यहां पे लिखा 1, यहां पे लिखा 2, यहां पे लिखा 3, यहां पे लिखा फिर 4, यहां पे लिखा फिर 2, फिर 4। इस तरीके से हमने कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें दे दी हैं। अब इसको मैं बंद कर देता हूं, यही है टपल। ये स्मॉल ब्रैकेट ही डिनोट करता है कि ये टपल है। अब टपल में डुप्लीकेट को रिमूव कराने के लिए क्या लिखते हैं, टी इज इक्वल टू, अब यहां पर टपल लिखेंगे, टपल, क्योंकि हमने टपल ही तो बनाया है, तो ये टपल दे दिया हमने। और यहां पर सेट का यूज करेंगे, सेट, ठीक है, ये सेट लिखा मैंने और टी लिखा। ठीक है, आपको पता है टपल डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ करता है। ये डुप्लीकेट वैल्यू कैसे अलाउ करता है ये अभी बताता हूं। पहले ये डुप्लीकेट वैल्यू इसमें से हटा करके दिखा देता हूं फिर। तो यहां पर प्रिंट करवाएंगे, ये लिखा मैंने प्रिंट, और किसको प्रिंट करवाएंगे, टी को, टी यानी टपल को। तो यहां से ऑलरेडी मैंने रिमूव डॉट पीवाई के नाम से सेव किया है। तो यहां पे देखेंगे तो क्या प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 ही प्रिंट हुआ है, जबकि यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 2 4 दिया हुआ है। यानी 2 को भी रिमूव किया, 4 को भी रिमूव किया। आई होप की बात समझ में आई होगी। देखिए, अगर मैं ये हिस्सा जो सेट के साथ मैंने लिखा, ये हिस्सा मैं ना लिखूं तो क्या यहां पर सारी वैल्यूज प्रिंट होगी, एक बार चेक करते हैं यहां से। तो ये देखिए, ये यहां से हमने प्रिंट करवाया, तो आप देखेंगे कि जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही 1 2 3 4 2 4 1 2 3 4 2 4 प्रिंट हो गया। लेकिन इसके बीच में अगर आप डुप्लीकेट्स को रिमूव कराना चाहते हो तो यहां T इज इक्वल टू, क्योंकि T नाम से बनाया तो T इज इक्वल टू, आप जिस नाम से बनाएंगे उसी नाम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर टपल लिखा, फिर यहां पर लिखना आपको सेट, कुछ इस तरीके से सेट लिख दीजिएगा, और सेट के बाद यहां पर ब्रैकेट ओपन करके टी लिखिएगा और इस ब्रैकेट को कर दीजिएगा क्लोज। अब देखिए ये डुप्लीकेट रिमूव कर देगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये डुप्लीकेट रिमूव कर रहा है या नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर ये सारी वैल्यूज हटा रहा हूं क्योंकि ये नंबर्स हैं। क्या ये नेम को भी रिमूव करेगा, तो डबल डॉट कोट्स के अंदर लिखता हूं एस यू आर ए जे, सूरज लिखा, डबल डॉट कोट्स को क्लोज किया, कॉमा दिया, यहां पर लिखता हूं डबल डॉट कोट्स में राम, आर ए एम, राम लिखेंगे और डबल डॉट कोट्स को क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहां लिखता हूं रितेश, आर आई टी ई एस एच, तो ये लिखा रितेश, तो यहां पर रितेश भी डबल डॉट कोट्स के अंदर रहेगा। ये हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक नाम मैं रिपीट करने वाला हूं, जैसे एस यू आर ए जे, सूरज रिपीट करने वाला हूं। तो ये देखिए एस यू आर ए जे, सूरज रिपीट किया, डबल डॉट कोट्स को क्लोज किया। अब फिर देखिए यहां से इसको रन करवाना है, तो ये रन करवाया हमने इस तरीके से। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो देखिए यहां पर डुप्लीकेट्स इसने रिमूव कर दिए। ठीक है, देख सकते हैं रितेश, सूरज और राम एक ही बार प्रिंट हो रहा है, जबकि यहां पर आप देखेंगे तो सूरज एक, राम एक, रितेश एक, सूरज दो बार दिया गया था। अगर मैं यहां पर रितेश का भी नाम मेंशन कर देता हूं दोबारा, तो ये रितेश को भी रिमूव कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसको भी मैं रिमूव करके दिखाता हूं, कुछ इस तरीके से यहां से जाएंगे और यहां से इसको ओके कर देंगे। देखिए रिमूव कर दिया या नहीं, तो रिमूव करना होगा तो इस तरीके से टपल सेट करके आप प्रयोग करेंगे तो रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।